नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बांदा स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का आयोजन, सभी छात्र छात्राएं काफी खुश व उत्साहित दिखे। बांदा बबेरू स्वर्गीय गजपाल सिंह पटेल महाविद्यालय बड़ागांव बांदा में गुरुवार को प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना डीजी शक्ति के अंतर्गत 79 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि आर के पटेल व विशिष्ट अतिथियों नमन मेहता SDM बबेरू, रमाकांत पटेल ब्लॉक प्रमुख के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। वहीं महाविद्यालय की छात्राओं नयन, महिमा, गुड्डन, राजवती के द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया। इसके बाद स्वागत गीत गाया गया। वहीं मुख्य अतिथि रहे बांदा चित्रकूट सांसद आर के सिंह पटेल ने 79 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना किया। महाविद्यालय के प्रबंधक अरुण सिंह पटेल बताया कि इस संचार उपकरण के माध्यम से विद्यार्थियों को विश्व भर की शैक्षिकी संस्थाओं की पठन पाठन सामग्री निःशुल्क उपलब्ध हो सकेगी। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रभात पटेल ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना के फलस्वरूप विद्यार्थियों को सहजता से विविध जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। इस मौके पर बांदा चित्रकूट सांसद आर के सिंह पटेल, विशिष्ट अतिथि के रूप में नमन मेहता उपजिलाधिकारी बबेरू, रमाकांत पटेल ब्लॉक प्रमुख बबेरू, अजय पटेल निवर्तमान प्रत्याशी विधानसभा बबेरू, अनूप सिंह पटेल प्रबंधक शिवमोहन सिंह रामोतार महाविद्यालय मुरवल, अरुण सिंह पटेल सदस्य जिला पंचायत, डॉक्टर धेनुपाल सिंह प्रधान आहार, श्रवण पटेल पूर्व प्रधान जुगरेली, सुतिक्षण पटेल प्रधान बरौली आजम बबेरू, बोधगया पटेल पूर्व प्रधान मिलाथू, अच्छेलाल पटेल पूर्व प्रधान आहार, क्षेत्र के गणमान्य लोग एवं प्रबंध समिति के सदस्यों के साथ अध्यापक गण व छात्र छात्राएं आदि मौजूद रहे। अजय पटेल निवर्तमान प्रत्याशी विधानसभा बबेरू। संवाददाता हीरामन यादव की रिपोर्ट। जो है ऐसा कार्यक्रम रहा, हमें माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी के शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्टफोन योजना चल रही है, उसी के उपलक्ष्य में आज गजपाल सिंह महाविद्यालय गांव में छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम था। उसमें अपने माननीय सांसद जी श्री आर के सिंह पटेल जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे और उनके कार्यक्रमों से यह महत्वाकांक्षी योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार की है दिया गया है छात्राओं को, छात्रों को, और उनको एक मैसेज दिया गया है कि इस मोबाइल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से अपने उज्जवल भविष्य को बनाने में इसका उपयोग करें और अपना उज्जवल भविष्य बनाएं। जी, आपका शुभ नाम? मैं अजय सिंह पटेल। क्या कार्यक्रम था ये? देखिए, आज ये महाविद्यालय में जो है जी, तो जगपत सिंह पटेल महाविद्यालय जो हमारा ये बड़ा गांव में है जी जी, तो यहाँ पर आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक महत्वाकांक्षी योजना है बच्चों को स्मार्टफोन देने की, और ये जो यहाँ पर बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं जो मतलब यहाँ से निकल करके जा रहे हैं, तो इनको सबको स्मार्टफोन दिए जाने का कार्यक्रम था। उसी कड़ी में आज यहाँ पर स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम किया गया है और ये बच्चे आगे तरक्की करें, इनका भविष्य उज्ज्वल हो। हमारी सरकार युवाओं को, नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार का सृजन करके और इस क्षेत्र को माननीय प्रधानमंत्री देश को विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है और ये विकसित भारत का सपना युवा हमारे पूरा करेंगे, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है। और उसी कड़ी में आज स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम कार्यक्रम था और कैसा कार्यक्रम रहा? स्वर्गीय गजपाल सिंह महाविद्यालय बड़ा गाँव में स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम था। माननीय मोदी जी और योगी जी की महत्वाकांक्षा योजना है, सभी ग्रेजुएट बच्चों को तकनीक से जोड़े और आने वाले समय में सभी बच्चों को स्मार्टफोन के सहारे शिक्षा की एक नई ज्योति जगाए और अपने आप को विकसित करें। जैसे कि हमारे सांसद जी यहाँ पर आए और उनके नेतृत्व में
हम सभी लोग स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम सम्पन्न है। उनको रोजगार के संबंध में आप क्या कहना, किस प्रकार से रोजगार स्मार्टफोन से पा सकते हैं? आजकल तो रोजगार तकनीक से जुड़ करके ही उनको सृजित किया जा सकता है। जैसा कि बिना तकनीक रोजगार को पूर्ण रूप से स्किल्ड नहीं किया जा सकता, ये फोन एज ए बच्चों को स्किल्ड करने का काम करेगा और आने वाले नए भारत के युग में अपने नए नए सपनों के साथ बच्चे अपना भविष्य का सृजित करेंगे।